हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है सीएफए या नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दैट टू रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये क्वेश्चन है। लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द थर्ड एंड फोर्थ लाइंस इन द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर इनवर्स। द सीओ बॉन्ड लेंथ इज गिवन बाय, और ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, राइट। सो बेसिकली हमें क्या पूछा गया है, हमें सीओ बॉन्ड डिस्टेंस और सीओ बॉन्ड लेंथ पूछा गया, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स हमें आर की वैल्यू पूछी गई है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। अभी जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि रोटेशनल रोटेशंस की वजह से हमारे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बनते हैं, और इन एनर्जी लेवल्स की पर्टिकुलर एनर्जी होती है, और उस एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो होती है बी जे जे प्लस वन, राइट। यहाँ पे जो ई जे है वो एनर्जी है वेरियस जो रोटेशनल लेवल्स हैं, जे स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। और जो बी होता है वो हमारे पास होता है रोटेशनल कॉन्स्टेंट, जो जे है वो हमारे पास है रोटेशनल क्वांटम नंबर, जे स्टैंड फॉर रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी का, राइट। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है कि हमें रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के सेपरेशन दिए 8 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। इस सेपरेशन को हम बोलते हैं 4b। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, देखो हमारे पास ना यहाँ पे होती है एक रेले लाइन, रमन स्पेक्ट्रम में एक हमारे पास होती है रेले लाइन, और रेले लाइन के इस साइड पे हमारे पास होते हैं एंटी स्टॉक्स लाइंस, और इस साइड पे हमारे पास होती है स्टॉक्स लाइंस। और ये जो स्टॉक्स लाइंस और एंटी स्टॉक्स लाइंस है, ये मिलके हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा देती हैं, और ये हमारे पास मिडल में होते हैं रेले लाइन। ये जो होती है डेल्टा जे 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। देखो हमारे पास जो ये फॉर्मूला होता है और ये जो ट्रांजिशंस होते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी लेवल से किसी भी लेवल में ट्रांजिशन हो जाएंगी। अगर हमें रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा जे 0 प्लस माइनस 2। 0 स्टैंड फॉर की रेले लाइन, और +-2 स्टैंड फॉर स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स लाइन्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अलग अलग एंटी स्टॉक्स और स्टॉक्स लाइन्स होती हैं इस तरह से, राइट। तो हमारे पास जो रेले लाइन है और पहली स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइन से इनके बीच का सेपरेशन होता है 6b, राइट। यहाँ पे जो b है वो रोटेशनल कांस्टेंट है, पहली स्टॉक्स और पहली एंटी स्टॉक्स लाइन कुछ भी ले सकते हैं, उसका रेले लाइन से जो सेपरेशन है वो होता है 6b, और आगे जितनी भी लाइंस हैं उनका आपस में सेपरेशन होता है 4b। चाहे हम स्टॉक्स की बात करें चाहे हम एंटी स्टॉक्स की बात करें, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है 4b। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हमें थर्ड और फोर्थ लाइन की सेपरेशन दी हुई है। अब यहां से हमें थर्ड और फोर्थ लाइन का मतलब है कि जो सेपरेशन होगी वो 4b के इक्वल होगी, और जो 4b दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब b की वैल्यू है हमारे पास 2 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू तो आ गई, बट द क्वेश्चन इज कि हमें निकालना है सीओ बॉन्ड लेंथ। तो इसके लिए हमें बी को बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। जो बी होता है हमारे पास वो रोटेशनल कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू होती है h² / 8π² i, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं जूल। ये हमारे पास बी की वैल्यू होती है, राइट। बिकॉज अगर हम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें, बिकॉज अगर हमें एनर्जी जूल्स में चाहिए तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास जूल्स में होनी चाहिए, और जे तो एक कांस्टेंट है तो बी जो है वो जूल्स में होना चाहिए। लेकिन अगर इन केस हमें एनर्जी जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए, तो बी की वैल्यू भी सेंटीमीटर इनवर्स में होनी चाहिए, राइट। तो अगर हमें क्योंकि हमें बी की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में दी है, तो हमें इसे सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए बी को एच सी से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमें मिलेगा बी बार, और इसकी वैल्यू जो होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, और इसकी वैल्यू आएगी h² / 8π² i c, राइट। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या वैल्यू दी हुई है, लेट्स डिस्कस दिस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बी की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर इनवर्स। सिंस ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो हमें यूज करना पड़ेगा h / 8π² i c। इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा कि ये हमारे पास इक्वल है 2 सेंटीमीटर इनवर्स के। यहां से हमें आई पता है, आई हमारे पास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसकी वैल्यू होती है μr². म्यू जो होता है वो हमारे पास होता है रिड्यूस्ड मास, म्यू इज रिड्यूस्ड मास, और आर जो है वो हमारे पास होते हैं बॉन्ड लेंथ, और हमें इस क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ ही निकालनी है, राइट। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है आफ्टर पुटिंग आई इन दिस फॉर्मूला। बाकी सब कुछ हमें ऐसे का ऐसे रखना है, बिकॉज यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज नहीं पुट करनी। और अगर हम रिड्यूस्ड मास की बात करें, इसकी वैल्यू जो होती है वो m1 m2 / m1 + m2 होती है।
जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका मास M1 होगा, इसका कुछ मास M2 होगा, यहाँ से हमारे पास रिड्यूस मास आ जाएगा। बट सिंस हमें क्वेश्चन में म्यू क्यूब एज इट इज रखना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड लेट्स सी कि आर की क्या वैल्यू आती है। राइट, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना था कि बी क्या होता है और हमें बी को पुट करना था फॉर्मूला में। राइट, तो एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी इज इक्वल टू 2। अब हमें आई की वैल्यू पुट करनी है, 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी, विच विल कम आउट टू बी इक्वल टू एच अपॉन 16 पाई स्क्वायर म्यू सी। और यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी रूट एच अपॉन 16 पाई स्क्वायर म्यू सी। राइट, तो ये हमारे पास आएगा बॉन्ड लेंथ। और इसके जो यूनिट्स होंगे वो ऑफ कोर्स सेंटीमीटर में होंगे, बिकॉज हमने बी की वैल्यू जो है वो किस में रखी है, सेंटीमीटर इनवर्स में रखी है। तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी इन सेंटीमीटर्स। तो अगर हम इन ऑप्शंस को चेक करेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ए, विच इज एच अपॉन 16 पाई स्क्वायर म्यू सी होल अंडर रूट। राइट, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट थी वो हमें ये पता होनी चाहिए थी कि थर्ड और फोर्थ लाइंस ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में सेपरेशन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 4B। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता कि सेपरेशन रेले लाइन और फर्स्ट स्टॉक्स लाइन के बीच में, या फर्स्ट एंटी स्टॉक्स लाइन के बीच में, या फर्स्ट रमन लाइन के बीच में जो सेपरेशन है वो इतनी है, दैट मीन्स हमें 6B की वैल्यू दी होती है और वहां से हम बी की वैल्यू निकालते। नेक्स्ट हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना था, सिंस ये सेंटीमीटर इनवर्स में है तो हमें बी की वो वैल्यू यूज करनी थी जो सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू देती, विच इज एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। राइट, अब इस फॉर्मूला को यूज करके जो बी की वैल्यू आती है वो सेंटीमीटर इनवर्स में आती है। और यहाँ से हमें एक चीज और पता होनी चाहिए थी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है म्यू आर स्क्वायर। इन सारी चीजों को अगर हमें ये सारी चीजें पता होती तो हम इनको इजीली इस क्वेश्चन में पुट करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।